अब तो छूट गया, दिल टूट गया मेरा। हाँ जी, बजाएं ट्रैक। गाने से लेते एक एक लाइन सुनते जाएंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये अब तो छूट गया मेरा। यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, यार के हाथ से दाम बीत गया मेरा, यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, दिल टूट गया मेरा, दिल टूट गया मेरा। सुनिए इसको। यहीं से है ना। यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, दिल टूट गया मेरा, दिल टूट गया मेरा। मूड आया। यार के हाथ से दामन अब तो छूट गया मेरा, यार के हाथ से मेरा ये मेरा पार्ट है जी, एंड वाला, एंड वाला। हाँ मेरा, ये मेरा पार्ट है जी। नहीं, ये कोरस का रहेगा। ये कोरस। अच्छा। एक बार और। अच्छा। मेरा 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 दिल टूट गया मेरा, हाँ दिल टूट गया मेरा। एक बार लेते हैं जी। जी मोबाइल साइलेंट दोनों बार कर दूं। मेरा 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 के बाद दो बार गा दो। दिल टूट गया मेरा, दिल टूट गया मेरा, मेरा 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 दिल टूट गया मेरा, वो दिल टूट गया मेरा। बैठा और सर कैसे लेंगे सर, एक और खड़ा से बना। हाँ मेरा 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 दिल टूट आता चले। बंद कर, बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद कर। तेरे दरवाजे जो भी आते हैं बिगड़ी हो जी। हाँ बना के बैठे हैं तो सुना है वर्षों के पिछले दिन। हाँ जी।
दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है वर्षों के पिछड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। अच्छा एक बार सुनाइए ना जी, 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 सर। मतलब उसमें जोर देना जी। ठीक है दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है वर्षों के बिछड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। तेरे दर पे जो भी आते हैं। थोड़ा सा क्लिक से एक बार फिर से करते हैं। तेरे दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है तेरे दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है वर्षों के पिछड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। ये ठीक वर्षों अच्छा वर्षों या बरसों कर दीजिए। बरसों ठीक है। तेरे दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है बरसों के बिछड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। तेरे दर सुनिए इतना ठीक है। हाँ ठीक है। हमने तो सुना है बरसों के बिछड़े भी यहाँ मिल जाते हैं। तेरे दर पे जो भी आते हैं बिगड़ी वो बना के जाते हैं। हमने तो सुना है बरसों के यहाँ बरसों में लाते हैं। हमने तो सुना है बरसों के बिछड़े गया मेरा रब रूठ गया मेरा। यहां कुछ मेरा मेरा कहां आता है कोरस है सुन लीजिए कहां है। किस तरह का कैरेक्टर है आपको कुछ बताना चाहिए फिल्म के बारे में आपके हिंदी में। जी इसमें मैं सिंगर हूं और जो हमारे पिता हैं वो भी सिंगर हैं। मैं जब इसमें बच्चा रहता हूँ छोटा रहता हूँ तो हमारे फादर गांव में हारमोनियम लेके ऐसे बजा के गाते हैं और जो लोग कुछ पैसा देते हैं जिससे हमारे घर का रोजी रोटी चलता है। एक दिन छोटा मोटा प्रोग्राम होता है हमारे फादर का अचानक बीमार हो जाते हैं वो गा नहीं पाते हैं मंच से तो मैं छोटा रहता हूँ वहीं से मैं गायकी का शुरुआत करता हूँ और धीरे धीरे लोगों का प्यार मिलता है और मैं इस भोजपुरी जगत में लोग सुपर स्टार बना देते हैं। इसके अलावा सर कैसा रहा शूट का एक्सपीरियंस तो बताना चाहिए आप। सर शूट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे काम करके बड़ा आनंद आया और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अपने भाइयों को इस फिल्म के जरिए ये लाइन ऐसी है कि मुकम्मल कोई कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ ये नहीं है सर। सर कैमरा में देख के बोलिए। मरते दम तक सीखना है और मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा कुछ नया करूँ और कुछ ऐसा करूँ जो हमारे भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार करें हमें आशीर्वाद दें। आपकी फिल्म कब तक रिलीज होने क्या चैनल चाहिए। सर हमारी फिल्म मतलब लोगों का आशीर्वाद रहा और बुजुर्गों का दुआ रहा तो हम लोग कोशिश में हैं सर कि मई तक रिलीज हो जाए अगर सबका सहयोग रहा तो। एक गाना आपने सिंगिंग भी किया है तो एक गाना गा दीजिए हमारे दर्शकों। बहुत बड़ा अच्छा एक सॉन्ग है स्टेज शो करने हम जाते हैं जाने कब नैना हमरो चार होगा।
प्यार हो गई ले रानी प्यार हो गई, प्यार हो गई ले रानी प्यार हो गई। जले देखी ना हम तोहके कहीं ना मनवा लागेला, सारा जग सुना सुना हो हमार साजनवा लागेला। और दिनवा के चैना अब हमार हो गई, आ प्यार हो गई ले रानी प्यार हो गई, प्यार हो गई ले रानी प्यार हो गई। क्या कहना चाहिए संजय भूषण जी के बारे में, उन्होंने आपको फिल्म को संजय वो इतने बड़े पियारो है जो खेसारी लाल हो या मीरा बाबू को ही करते है, वो उन्होंने आपको कैसा समय दिया? संजय भूषण भैया हमारे हम लोगों के गार्जियन हैं, और गार्जियन हैं और बड़े भाई भी हैं, और उनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा भी है और अंतिम सांस तक सीखते रहेंगे। और हम यही चाहेंगे कि संजय भूषण भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और दिल से हमें दुआ दें। कोई एक रोमांटिक तरह गाना गाइए जो आपको सबसे फेवरेट है। सर वैसे तो बहुत सारा गाना है मार्केट में, लेकिन एक बहुत अच्छा गाना अभी मैं गाया था, देवर भाभी का गाना है सर। देवर अपने भाभी को देखता है छत पे ऐसे मोबाइल चलाती रहती है, आपके जैसा मोबाइल है, तो देवर बोलता है कि अरे दूदू को सीमा लगाई ले तबो अरे टावर यारे दूदू को सीम लगाई ले तबो अरे टावर न भागेला, आ हमरा भौजी के होई मोबाइल अंगुरियोले से लागेला, कि हमरा भौजी के होई मोबाइल अंगुरियोले से लागेला। और सर ये गाना मैं अभी गाया था, भाइयों ने बड़ा आशीर्वाद दिया था जब ये नोट बंद हुए थे, तो बड़ा सुंदर गाना था सर। कि का कही ये भैया ई संसार बदल देहला। एक औरत है जो अपने पति को छोड़ के भाग जाती है दूसरे के साथ, उसी के ऊपर ये गाना बनाया गया था। कि का कही ये भैया ई संसार बदल देहला, आ मोदी जी नोट बदल देहनी ई तो भातार बदल देहलस, मोदी जी नोट बदल देहनी ई तो भातार बदल देहलस। आपकी फिल्म जो रिकॉर्डिंग के लिए अनुज जलोटा जी, जी आप उनके बहुत बड़े सुने एक भक्त सर, हाँ क्या कहेंगे आप? सर मतलब क्या कहूँ मैं, हमारे खातिर सौभाग्य के बात बा कि अनुज जलोटा सर हमरा फिल्म में कव्वाली गाओतनी, आ एक से बढ़न बात हमारे जीवन का तो कुछ होइयो नहीं कर सकत सर। कभी सपना में सोचते हैं कि आप सुपरस्टार बनिएगा? सपना में तो ना सोचल नहीं सर, लेकिन हमारे भैया लोग का आशीर्वाद बा कि जे हमरा के गोपालगंज से ए मुंबई तक भैया लोग के दुआ प्यार पहुँचौले बा। गोपालगंज कहाँ रह रहा है? गोपालगंज में बरौली थाना चलपुरवा गाँव बा हमार। पहला स्टेशन कौन सा था? पहला स्टेशन तो इतना भैया हमारा याद नहीं थे, लेकिन बहुत स्टेशन पहले बनी जा हमने। हाँ याद आता देवता कि अब हमारे सुभाष भैया स्टेशन बुक पहले रहनी सबसे पहलका डुमरसन में, आ बड़ा लोग प्यार दिल रहे हमरा के, और वो दिने से हमारा मन में ऐसा बुझाइल कि हम कुछ कर सकते नहीं। अच्छा आपके गाना कोई हिट हुआ है बहुत सबसे ज़्यादा चल रहा है, हम बड़ा सुंदर लोग मन नाव का भाई लोग बड़ा प्रेम कर रहे हैं। चाटो उठ लाली मजा ले ला बियर बार के, भूले ला बियर बार के, चाटो उठ लाली मजा ले ला बियर बार के, भूले ला बियर बार के, बियर बोलो अरे ढोरी में पाउच डाल के। ये गाना सर बड़ा स्नेह प्रेम मिला अंदर आ जाओ।
एक एक निकाली थोड़ा पीछे एक मिनट एक मिनट हाँ वाह नाइस कपल बहुत अच्छा अब आ रही हूँ म्यूजिक डायरेक्टर साहब कौन बोलेंगे इसमें मैं क्या बोलूं अनुप जी आज भोजपुरी आपने कव्वाली गाया इसके बारे में कुछ बताइए एक बार फिर से आप अपना आवाज भोजपुरी इंडस्ट्री को दे रहे हैं ये जो भोजपुरी फिल्म है इसमें कव्वाली जो है ये उर्दू में है इसमें कहीं भोजपुरी रंग नहीं है और बहुत अच्छी लिखी हुई है मुझे मज़ा आया गा के एकदम कव्वाली रंग है म्यूज़िक बहुत प्यार से इसकी की गई है और ये लगा ही नहीं कि कोई परेशानी हो रही है क्योंकि हम गज़लें तो गाते रहते हैं तो बड़े प्यार से आसानी से काम हो गया एक घंटे के अंदर रिकॉर्डिंग भी खत्म होगी जैसे कि सभी ये युवा वर्ग है ये यहाँ पर जो एक्टर है एक्ट्रेस है इन्होंने ये फिल्म में ये खड़ी है ना हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इनको क्या मुस्कान हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे हम तो चाहते हैं कि खूब नए नए आर्टिस्ट आए और नाम करें क्योंकि जितने इस्टेब्लिश आज हुए हैं ये सब नए ही तो थे हमने भी कई भोजपुरी फिल्में बनाई हैं और उसमें नए आर्टिस्ट को पेश किया और सब इस्टेब्लिश हुए हिंदी फिल्मों में भी हमने नए आर्टिस्ट को लिया है वो सब इस्टेब्लिश हुए तो भगवान से ये प्रार्थना है खूब सारे लोग आए और अपना नाम करें अनुप जी संजय जी हमेशा नए कलाकार को प्रोत्साहन करते हैं आप क्या कहना चाहेंगे मुझे भी चांस देने वाले आप क्या कहना चाहेंगे हमेशा नए लोगों को प्रेरित करते हैं बहुत अच्छा करते हैं और इसीलिए इनकी बड़ी इंडस्ट्री में इज्जत है सब इनको बहुत चाहते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें क्योंकि यही तो स्टार बनाएंगे नए नए लोगों को लेंगे तो स्टार बनेंगे आप क्या कहना चाहेंगे सर के लिए सर आए आपके फिल्म के गाना दिया मैं तो बहुत खुश हूँ मैं तो एक घंटा पहले आके बैठी थी सर का वेट कर रही थी कि सर कब आए तो किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फिल्म में इसमें मैं मेलिट का कैरेक्टर कर रही हूँ बहुत इमोशनल मतलब मेरे माँ बाप नहीं रहते हैं बिछड़ जाती हूँ मैं बचपन में ही अनुप जी के कितने फैन हैं आप बहुत बड़ी फैन हूँ मैं इनकी सच में तो क्या मेमोरी है सर की कुछ बताना चाहिए ऐसी कोई बातें नहीं बहुत आप फसाते हो बहुत फसाते हो अनुप जी भोजपुरी के लिए भी नया क्या करने वाले हैं कुछ काफी ब्रेक हो गया है हाँ भोजपुरी हमने बहुत दिन से फिल्म बनाई नहीं है लेकिन हम हिंदी तो बनाते ही रहते हैं अभी एक फिल्म कंप्लीट की है मिस्टर कबाड़ी उसमें अनु कपूर ओम पुरी सारिका विनय पाठक तो ये फिल्म 2 महीने में रिलीज हो जाएगी और भी 2 फिल्म शुरू होने वाली अनुप जी हाल ही में एक बड़ी फिल्म आई थी बाबरी मस्जिद उसको प्रॉब्लम हो चुका है उनके टाइटल आप कैसे देखते हैं भोजपुरी फिल्म को रोकने के लिए नहीं देखिए फिल्में बनेंगी फिल्मों में प्रॉब्लम भी होगी लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व भी होंगी लेकिन एक बात अच्छी होती है कि जिस फिल्म में खूब कंट्रोवर्सी होती है उसको फ्री पब्लिसिटी बहुत मिल जाती है उसका फायदा होता है सर आप क्या कहना चाहिए आप तो आपने कहा पहले बाहर इंटरव्यू में आपका खुशी के बाद आज बा मतलब इतना बढ़न दिन हमारा जिंदगी में कभी नहीं किया खुश है अब ज्यादा हम कुछ अनुप जी के लिए कोई गाना गा दो चलो इमोशनल हो गए चलिए 2 लाइन मैं सुनाता हूँ हर इंसान के लिए और थोड़ा सा भोजपुरी और हिंदी मिक्स है के दुश्मन मिले तो मिले मतलब यार ना मिले कि कलियन बीचे भौरा मिले बगिया में मिले माली ममहर में नाना नानी मिले ससुरारी में साली तो दुल्हन गोरी हो या काली मगर फिलार ना मिले दुश्मन भी यार ना मिले डायरेक्टर साहब आप क्या कहना चाहते हैं अनुप जी आपके फिल्म में गाना दे रहे हैं इतने बड़े कलाकार सबसे पहले तो अनुप सर आए मैं उनको तहे दिल से मैं स्वागत कर रहा हूँ और मेरा मैं ये सोच भी नहीं पाया मैं सोचा भी नहीं था कि अनुप सर मेरे फिल्म में गाएंगे लेकिन ये सब जो भी हुआ ये मेरे सनोज सर के देन है क्योंकि मैं उनका शुरू से शिष्य रहा हूँ और सनोज सर मुझे हमेशा प्रमोट किया है कि तुम आगे बढ़ो और आज सर जो कर दिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे गुरु जी आए हुए हैं और
सनोज जी आप क्या शुभकामनाएं दीजिएगा हमारे टीम को, आइए जरा। और मैं चाहूंगा कि सनोज सर एक बार आ जाए मेरे, और मैं पूरे मीडिया के सामने मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ अपने गुरु जी का पैर, और एक बार अरे सर मेरी इतनी हैसियत नहीं हमारे बॉस हमारे सामने। जो कुछ भी कर रहा हूँ या जो कुछ भी थोड़ा बहुत किया है मैंने, तो जाहिर सी बात है मेरा मेरे फादर तो मेरे कोई और हैं, लेकिन मेरे गॉड फादर मेरे साथ हैं अनूप जी, और मैं इनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, और जो मैंने सीखा है खुश रहना और लोगों को खुश रखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी बातें हैं सर की जो मैं उतारने की कोशिश में रहता हूँ। अभी करियर के पहला फिल्म उन्होंने प्रेजेंट किया था जी, पहले नहीं दो तीन चार फिल्में सर ने मेरे लिए बनाई, और पहचान मुझे मिली सर की वजह से। सर के साथ पहली बार मेरा नाम जुड़ा तो लोगों ने मुझे थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया, और 40 किलो का जो मेरा वजन का एक आदमी था उसको एज ए डायरेक्टर प्रेजेंट करना वो कोई बहुत महान आदमी ही कर सकता था। तो वो सर ने पता नहीं क्या, जिस आदमी को कोई बगल में खड़ा नहीं कर सकता था, कोई बगल में बिठाता नहीं था, तो हमारे सर ने मुझे ये इज्जत दी है, और मैं इस जन्म में तो इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊँ। इस टीम को क्या बधाई देंगे आप? सारी टीम मेरी है, सब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से जी, और शुभकामनाएं हैं। और क्या फिल्में आपकी आ रही है कुछ नई? मेरी फिल्म सर अगेन गांधीगिरी भी जल्दी शुरू होने वाली है, तो उसके बारे में जल्दी मीडिया में खुलासा होगा। एक और फिल्म है मेरी जो सनी लियोन और शर्मन जोशी को लेकर जापान में शूट हो रही है अगले महीने, तो दो फिल्में। अनूप जी इस बार उसमें अभिनय करेंगे? जी हाँ एकदम जी हाँ सर, क्योंकि ऐसा होता है कि अनूप जी टाइम नहीं दे पाते हैं इसका। नहीं इस बार मैंने आज ले लिया है समय सर से, मैंने टाइम ले लिया है, और इस बार आशीर्वाद जरूर लेना चाहूंगा सर का। अनूप जी आपकी बहुत तारीफ ही होंगी। प्यार है इनका, सबका प्रेम है, और हम तो अपना काम करते रहते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं। सनोज जी का टैलेंट मैंने देखा था, इसलिए मैंने इनको अपने साथ रखा और इन्हें फिल्म में डायरेक्टर लिया। आज इनको इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही हैं, सनी लियोन को लेकर जापान जा रहे हैं शूट करने, इसका मतलब है कि इनकी कला को सबने समझा है और इनको बड़े बड़े काम मिल रहे हैं। अनूप जी आज के समय में रेडियो टीवी स्पेशल ऑनलाइन पे आपका स्पेशल सॉन्ग को लोग सुनते हैं, पहले मतलब अभी सबसे ज़्यादा हो गया आपके भजन को लोग सुनते हैं सुबह सुबह, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्योंकि सुबह भजन सुनना बहुत अच्छा होता है। सुबह भजन सुनिए तो आपके विचार जो हैं वो पवित्र हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और अब तो बिहार में खूब भजन सुने जाते हैं क्योंकि दारू वारू तो मिलती नहीं है तो अब तो भजन ही सुनेंगे, भजन सुनते हैं, और लोग बड़े खुश हैं क्योंकि दारू ना होने की वजह से लोग अपने घर समय से पहुँच जाते हैं, समय से सोते हैं, अच्छी तरह खाते हैं, सब औरतें तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हैं तो बहुत अच्छा हुआ है ये। हम चाहते हैं कि पूरे देश में नशाबंदी हो जाए जिससे कि हर जगह खुशहाली छा जाए। सर दारू भी कोई एक लाइन तो बोल दीजिएगा गुनगुना के कुछ सर का एक गजल था कुछ हाँ हाँ जाम चलने लगे दिल मचलने लगे चेहरे चेहरे पे रंगे शराब आ गया, बात कुछ भी न थी बात इतनी हुई, आज महफिल में वो बेनकाब आ गया, जाम चलने लगे। तो धन्य हो जाएगा जीवन मेरा आज सनोज भाई के चलते सर हमारे फिल्म में गाए, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। बहुत ज्यादा कभी भजन सुनते हैं अनूप जी का? बहुत ज्यादा फैन हूँ। कोई एक लाइन याद है? क्योंकि कृष्णा मेरा नाम हुआ, मैं जन्माष्टमी को जन्म मेरा हुआ, मेरा जो भी अभी चल रहा है श्री कृष्णा से ही चल रहा है, अभी मेरा देखिए बैनर का नाम भी है श्री कृष्णा चलचित्र। तो इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू कर रहे हैं आप? बस अप्रैल में 10 के बाद 10 और 15 के बीच में मैं कर लूंगा। अच्छा, तो अनूप जी से भी कुछ अभिनय करवा रहे हैं क्या इस फिल्म में? नहीं अभी तो कोई स्कोप नहीं है, बस आशीर्वाद चाहूंगा कि इनके आशीर्वाद हमेशा बनी रहे हमारे साथ। आप भी उसमें अभिनय कर रहे हैं पता चला है? जी। क्या कर रहे हैं? प्रधान का कैरेक्टर कर रहा हूँ, मेन विलन में ही हूँ। अच्छा, तो हीरोइन को किडनैप आप करते हैं? नहीं ये सब तो है नहीं हमारे फिल्म में, थैंक यू सर, कोशिशें होती है। ये भोजपुरी है और सही मायने में भोजपुरी फ्लेवर इस फिल्म में दिखेगी। अभी भोजपुरी तो बन रहा है, ग्लैमर में लोग ज्यादा जा रहा है,
लेकिन हमारी भोजपुरी जो है ज़मीन से जुड़ी हुई, जो भोजपुरी दर्शक को काफ़ी पसंद आएगी और कहानी भी बहुत अच्छी है, मार्मिक है। किस तरह का जॉनर है ये फिल्म, किस पर है प्रेरित ये फिल्म, कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी फिल्म के बारे में? हाँ, ये फिल्म वैसे सभी कलाकारों के लिए है, कलाकार सिंगर बेस फिल्म है। हमारा एक सिंगर है जो बहुत गरीब तबके से रहते हैं, बहुत गरीब मतलब फैमिली से रहते हैं, तो दिखाया गया है कि गरीबी से अमीरी एक मतलब जोश, उमंग, उत्साह, धैर्य, ये सब कहाँ लोगों को पहुँचाता है, इस फिल्म में यही कहानी है। और सर जैसे कि कब तक ये शूट चालू हो जाएगा इसके बारे में कुछ बताइए? ये अप्रैल के सेकेंड वीक में चालू हो जाएगी। और कौन कौन एक्टर है इसके बारे में कुछ बताना चाहिए आप? हाँ, राजू रसिया हैं, बिहार के बहुत बड़े सिंगर हैं, और मुस्कान चोपड़ा जी उसमें हैं, कृष्णा किंचित मैं उसमें विलन कर रहा हूँ, और इसमें डायरेक्टर हैं आपको रुस्तम अली चिश्ती। इस फिल्म में आप भी का एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेगा उसका? जी, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं थिएटर रंगकर्मी हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और एक्चुअली मैं थिएटर करता हूँ, एक्टिंग ही करता हूँ। इतिफाक था, संयोग था, भगवान की कृपा था कि मैं प्रोड्यूसर बन गया इस फिल्म में। और ये कब तक ट्रेलर रिलीज हो जाएगा कुछ बताना चाहिए? फिल्म कब तक ट्रेलर रिलीज होगा? ये अप्रैल में तो हम लोग शूट करेंगे और मई के लास्ट वीक में ट्रेलर आ जाएगी और फिल्म का अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कब रिलीज करना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सेलिब्रिटी हैं हमारे यहाँ, चीफ गेस्ट हैं। पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगा और चैत के जो नवरात्र चल रहा है उसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। ये फिल्म जो बन रही है इसमें राजू रसिया जी मेरे मित्र हैं, इस फिल्म में लेकर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमारे को एक्टर रहे कृष्णा किंजित जी, वो इस फिल्म को पहली बार प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस शुरू हो रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और रुस्तम जी हैं, मैं उनको जानता नहीं हूँ लेकिन सनोज जी के सागिद रहे हैं और ये सब रहे हैं, तो मैं उनको भी साथ में बधाई दूंगा कि आगे बढ़ें और बहुत अच्छा करें, अच्छी सिनेमा बनाएं इंडस्ट्री में और भोजपुरी सिनेमा को एक डिफरेंट वे में ले जाएं, जैसे कि नीतू ने बनाया था दिसवा, तो उस तरह से कुछ डिफरेंट बनता जाए। और राजू रसिया जो है वो मेरा मित्र है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी स्टार बने। खेसारी के साथ वो गाता था, मैं जानता हूँ मेरे शरीर में बड़े हैं लेकिन प्यार के हिसाब से मैं ऐसे बातें करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ मैं, तो उनको बहुत बहुत एक बार और बधाई। इसके अलावा आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अगर आप बताना चाहें? मेरा अभी रीजनल में तो बेटा बाहुबली 2 आ रहा है जो आई थिंक 21 अप्रैल को रिलीज होगा, और बाकी मेरी हिंदी सिनेमा है रणनीति रिलीज हुई है, उसके बाद एक और मैं रकीब करके मूवी कर रहा हूँ जो FTI के डायरेक्टर्स हैं वो लोग कर रहे हैं, तो सनोज भैया के सानिध्य में वो सारी चीज़ें हैं कि फिल्में बनेंगी तो उनके सुपरविजन में हम लोग दिखाएंगे सिनेमा को। बाहुबली 2 में भी आपका किरदार है? जी जी, हिंदी वाला बाहुबली 2 नहीं, बेटा बाहुबली एक फिल्म आई थी 8 वर्ष पहले जब मैं छोटा हुआ करता था, तो भोजपुरी में बनी थी, उसी का पार्ट 2 है बेटा बाहुबली 2। ओके, हाँ ठीक है, सबसे पहले तो कैमरा में देखिए, कैमरा में सबसे पहले तो सबको धन्यवाद दूंगा। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक फिल्म, एक सब्जेक्टिव फिल्म, जमीन से जुड़ा हुआ ये फिल्म है, और इस फिल्म में प्यार इमोशन से बांधा है जो कि हमारे भोजपुरी दर्शक जो कल्चर में चलता है, हम वेस्टर्न बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, और इसमें बिल्कुल हम जमीन से जुड़ा हुआ चीज़, जैसे एक हीरो हीरोइन एक साथ रह के भी दोनों बेतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाए, हमारे फिल्म में आपको कॉमेडी इमोशन और एक्शन से भरपूर मिलेगा। और इसके अलावा कब तक ये फिल्म कब तक शूट में चले जाएगी इसके बारे में? हमारा प्लान है यही 10 अप्रैल से शूट करने का। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पहले तो सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, और हमारी टीम है ये जो जिस फिल्म का आज भी गाना अनूप जी ने रिकॉर्ड किया है, और बतौर अतिथि मुझे भी बुलाया गया है क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों को जानता हूँ, कृष्णा जी उसके जो निर्माता हैं और इस फिल्म के जो निर्देशक हैं रुस्तम अली चिश्ती जी, वो मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, राजू रसिया जी भी मेरे साथ फिल्म में काम कर चुके हैं, मुस्कान चोपड़ा जी काम करते करते रह गई लेकिन आगे भविष्य में भी हम लोग काम करेंगे, और आज गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट सॉन्ग है ये अनूप जी का, एक नया अंदाज है उनका।
इसके अलावा आपकी कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है, सनी लियोन के साथ आप काम करने जा रहे हैं, क्या है? अभी अनऑफिशियली तो मैं कुछ अनाउंस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एक फिल्म है जो बहुत जल्दी शुरू हो रही है, शायद इसी 10 दिनों में आप लोगों को खबर लगेगी। सरमन जोशी जी और सनी लियोन को लेकर एक फिल्म मेरी स्टार्ट हो रही है। किस तरह का जॉनर है कुछ पता? ये जॉनर है थ्रिलर, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ज्वाइंट वेंचर में फिल्म बन रही है। और तो सरमन जोशी और सनी लियोन दोनों? हाँ जी, हाँ जी, दोनों ही इस फिल्म। किस तरह का कैरेक्टर है दोनों का, कुछ बताना चाहिए? अलग हटके सनी लियोन का नाम आते ही एक अलग टाइप की जो फीलिंग होती है वैसी फिल्म से थोड़ा सा इमेज अलग बनाने की कोशिश है, कि सनी लियोन जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, तो अभी उनकी जो अभिनय क्षमता है, अभिनय प्रतिभा है, उसको बाहर लाने की कोशिश है हमारी। और एक अलग तरीके का सिनेमा हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिसमें कि वो अपनी इमेज से बाहर निकल कर एज ए परफॉर्मर, एज ए आर्टिस्ट जैसे कि वो हैं और बहुत मेहनती हैं, वो लोगों के सामने तक आए। क्या कहूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ। और जैसे कि आपकी फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है इस फिल्म में आपका? मेरा कैरेक्टर बहुत इमोशनल है, मैं अपने माँ बाप से बिछड़ जाती हूँ, मतलब हीरो भी बिछड़े रहते हैं, क्या क्या बताऊँ, मूवी देख लीजिएगा। तैयारी की इस फिल्म के लिए, जैसे कि शूट में जाने नहीं? अरे तैयारी तो इतना ना की कि क्या बताए। सुना है अब रियल में बहुत दबंग है। माँ बाप का कत्ल किया आपने? इतना बड़ा इल्जाम नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ बट इतनी नहीं हूँ। तो किसी बॉयफ्रेंड का कत्ल किया आपने? नहीं, बट इरादा है आपका। क्या बनना चाहती है बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसको फॉलो करती हैं आप? मैं बॉलीवुड में मैं दीपिका को फॉलो करती हूँ। भोजपुरी में सनोज मिश्रा को? जी उनको फॉलो करती हूँ। क्या जैसे उनका चलना, उनका स्टाइल, कुछ बातचीत, उनका बात करने का स्टाइल? अच्छा, उनका हंसने का स्टाइल, और हाँ सबसे बड़ी बात उनका देखने का स्टाइल। अच्छा, ऐसा देखे इतने प्यार से। अच्छा, भोजपुरी में किस हीरो से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? बच्चे की जान लीजिएगा ये खुलासा करके। दो चार का नाम बता दो। किसका बताऊं? कोई भी बता दो, भोजपुरी में तो 4 सुपरस्टार, सबका नाम बता दो। हाँ तो दिनेश जी, पवन सिंह, खेसारी लाल, और एक हमारे हीरो। अच्छा, राजू रसिया जी। अच्छा, इतने लोगों को कैसे संभालती हो अकेले? अरे क्या करूँ, बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए सोच रही हूँ आप ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दो मुझे। अच्छा। कैसे संभालते? अच्छा, इस फिल्म का नाम क्या है जो अभी शूट करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा राजू सुपरस्टार। तो कभी सुपरस्टार से शूटिंग करते वक्त मोहब्बत हो गया तेरे को? वो तो नहीं होगा, हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग धड़ाधड़ साथ में फिल्में करेंगे। अच्छा, फिलहाल मुझे हो जाएगा, हीरो को नहीं। अच्छा, अभी सबसे पहले आप किस हीरो के साथ शूटिंग करना चाहती हैं इस फिल्म के बाद? इस फिल्म के बाद अब नसीब के ऊपर है किसके साथ ऑफर आता है, जिसके साथ ऑफर आएगा कर लूंगी। अच्छा, आप गाना भी गाती हैं सुने के? ना, मेरा गाना सुन के सब भाग जाएंगे, बेगाना नहीं आती हूँ। सर कहाँ शूटिंग करने जा रहे हैं किस फिल्म का? हम लोग पटना, कल का हम लोगों का टिकट है, हम लोग कल पटना जा रहे हैं, पटना में शूटिंग है इसकी। पटना में शूटिंग कब, किस डेट से कर रही हैं आप? 8-9 से। अच्छा, आज आपकी फिल्म अनूप जलोटा जी ने गाना गाया है जी। कभी सुना था कि आप, सोचा था कि उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाएंगे? कभी नहीं, इसके लिए तो मैं। अनूप जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, आज उनसे मैं फर्स्ट टाइम पे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। चलिए, बहुत थैंक यू। रुकते रुकते मन मन मानल बहग, क्या बात, क्या बात, खुद तेरे तूर से संवर जाता है, हमने खुद अपने मुकद्दर को सवारा तो नहीं। आइए सर,
हेलो